इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट, 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकार 1, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, 2, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद जम्मू कश्मीर, 19F अपवाद जम्मू कश्मीर, 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। पृष्ठ 195। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। 1, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। 2, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 3, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा संस्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 1, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 2, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 3, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है।
निवारक विरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक विरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः ये निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से ही हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब एक सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। 2 इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। 3 निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक विरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां 1 निवारक विरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः ये 31 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। 2 आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 MISA। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में ये समाप्त हो गया। 3 विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। 4 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। 5 आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा। निवारक विरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से ये सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पृष्ठ 196। 6 पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेकारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।